हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। सो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज द नेचर ऑफ फ्रूट्स। देखिए, लास्ट लेक्चर में जो हमने स्टडी किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी का, सो उसमें हमने स्टडी किया था एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, राइट। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहां पर अब हम टू रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। So, उन रूट्स की क्या नेचर होगी उनको फाइंड आउट करने से पहले ही हम बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट कि हम हमारे रूट्स की नेचर क्या होगी। नेचर मींस जैसे कि आपके डी की वैल्यू सपोज करो पॉजिटिव है, राइट। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, उसमें ए बी सी तीनों बताया और आपने डी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब डी की वैल्यू के बाद आपको उसमें अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, उसकी नेचर क्या होगी, रूट्स की नेचर क्या होगी, टू रियल रूट्स, राइट, टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, रूट्स की नेचर होगी। अगर आपकी डी की वैल्यू नेगेटिव है तो उस केस में कोई भी रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर डी की वैल्यू जीरो के इक्वल है दैट मींस आपके टू रियल इक्वल रूट्स होंगे। सो ये जो तीन केसेस हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, सो इन तीनों से रूट्स की नेचर का पता चलता है, राइट। तो ये जो एक्सरसाइज है आपकी 4.4 एक्सरसाइज, तो यहां पर हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में ही स्टडी करेंगे। So, आइए स्टार्ट करते हैं जनरल फॉर्म से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, वेयर ए बी सी दीज आर कॉन्स्टेंट्स, राइट। देखिए इसमें जो ए बी सी है ये क्या है आपके कॉन्स्टेंट्स, एंड यहां पर एक कंडीशन है a इज नॉट इक्वल टू जीरो। जो यहां पर a होगा वो आपका जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। देखिए अगर a की वैल्यू यहां जीरो कर देंगे तो यहां पर क्या होगा कि ये इक्वेशन जो बन जाएगी, देखिए ये पार्ट जीरो हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, bx + c = 0, which is not a quadratic equation। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म है, उसके साथ में ये कंडीशन है, राइट। सो यहां पर हम d फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। सो d की वैल्यू As you all know, b square minus 4ac. Last lecture में जैसे कि हमने study किया था, जो discriminant होता है वो क्या होता है, b square minus 4ac. अब इसकी अगर मैं value solve करूं, तो या तो मेरा first case देखिए क्या होगा, यहां पर मैं cases लिख रहा हूं, यहां पर मैं nature of roots, first case की बात करें, let's say d is greater than 0, 0 का मतलब d आपका क्या है, positive आ रहा है। अगर आपने इसको solve किया, तो 1, 2, 3, 4, 5, कोई भी एक positive integer आता है, तो उस केस में क्या होगा आपके, two real distinct roots, उस केस में आपके two real distinct roots होंगे, right। इस केस में जो हमारा graph बनेगा, देखिए कैसा graph बनेगा, आपको यहां ग्राफ की बात नहीं कर लेते हैं, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे कि हमने पॉलीनोमियल्स में स्टडी किया था कि जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है, राइट। सो यहां पर टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, मींस इसके दो सॉल्यूशंस हैं अगर आपका डी पॉजिटिव है, तो इस केस में जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को किसी दो पॉइंट पे कट करेगा, राइट। इस टाइप का ग्राफ बनेगा, इसमें मैंडेटरी देखिए ये आपका अल्फा होगा और ये आपका बीटा होगा, इसमें आपके दो रूट्स होंगे दैट इज अल्फा एंड बीटा। तो इस इक्वेशन का अगर डी आपका पॉजिटिव है तो उसके टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, राइट। सेकंड केस की मैं बात करूं, अगर डी आपका इक्वल टू जीरो है, राइट। सो दिस इज द नेचर ऑफ द रूट्स, राइट। डी इज टेलिंग अस द नेचर ऑफ द रूट्स। इफ डी इज जीरो तो डिस्क्रिमिनेंट यहां पर जीरो है, तो यहां पर क्या होगा, टू इक्वल रियल रूट्स, राइट। यहां पर जो रूट होंगे वो क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। देखिए इक्वल कैसे होंगे, अगर इन दो पॉइंट को एक सिंगल पॉइंट बन जाए तो दोनों रूट सिंगल हो जाएंगे। देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, दिस इज ग्राफ, यहां पर जो पॉइंट पैराबोला होगा आपका वो एक यूनिक पॉइंट पे इसको टच करेगा, राइट। दैट मींस आपके दोनों रूट्स क्या है, इक्वल है, सिंगल वैल्यू है दोनों। तो यहां पर आपका अल्फा और बीटा दोनों होगा इस पॉइंट पे, राइट। सो यहां पर अब मैं थर्ड केस की बात करूं, देखिए तीन केस बनेंगे, या तो डी पॉजिटिव होगा, या तो डी जीरो होगा, या फिर डी क्या होगा, नेगेटिव होगा, राइट।
राइट। अब 19 के केस में क्या होगा, यहां पर मेरे कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, रूट्स नॉट एग्जिस्ट राइट। इस केस में देखिए, इस केस में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है कि जिससे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सेटिस्फाई कर सकूं, राइट। दैट इज z इक्वल d इज लेस देन 0, अगर d आपका नेगेटिव आ जाता है। तो इस केस में देखिए ग्राफ कैसा बनेगा, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, तो ये किसी भी पॉइंट पे टच नहीं करेगा। देखिए जो पैराबोला होगा वो किसी भी पॉइंट पे x एक्सिस को टच नहीं करेगा। सो यहां पर हमारे नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए 3 केसेस हैं, 1 इज d इज ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल्स टू 0, d इज लेस देन 0। तो कभी भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं बाय यूजिंग दी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो सबसे पहले आप d फाइंड आउट करते हैं और d फाइंड आउट करने के बाद हम उसकी नेचर को देखते हैं कि अगर d हमारा पॉजिटिव है तो 2 रूट्स होंगे, अगर d हमारा इक्वल टू 0 है तो 2 इक्वल रूट्स होंगे, अगर d हमारा नेगेटिव है तो इस केस में कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो आइए अब हम यहां पर फर्स्ट केस में बात करेंगे टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स की। देखिए वो दो रूट्स क्या होंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन में 2। सो इससे हम एक रूट फाइंड आउट करेंगे और बीटा दैट इज अवर सेकंड रूट माइनस बी माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2 राइट। सो दिस इज माय फर्स्ट रूट, दिस इज माय सेकंड रूट, तो ये दो रूट्स पॉसिबल होंगे इस केस में राइट। सेकंड जो केस था अगर डी की वैल्यू 0 कर दें तो उस केस में देखिए डी अगर 0 हो जाए 0 हो जाए तो बिल्कुल सेम रूट क्या होंगे, केस 2 के केस में अगर मैं बात करूं इफ डी इज इक्वल टू 0, अगर डी हमारा 0 था उस केस में अल्फा और बीटा क्या होंगे माइनस बी अपॉन में 2 है राइट। अल्फा भी ये होगा और बीटा भी क्या होगा माइनस बी अपॉन में 2 है राइट। देखिए डी आपका 0 हो गया तो ये चीज 0, ये वाला भी 0, तो माइनस बी अपॉन में 2 है, माइनस बी अपॉन में 2 है, अल्फा और बीटा क्या हो गए इक्वल हो इस केस में इफ डी इज इक्वल टू 0। तो आइए इसके ऊपर अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दी एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। Find the nature of the roots of the following quadratic equations. If the real roots exist, find them. देखिए, exercise 4.4 में आपको roots की nature find out करनी है quadratic equations के। अगर वो roots आपके real हैं, means d की value अगर आपकी positive है या फिर d की value 0 के equal है, तो उन roots को आपको find out करना है। So आइए question number 1 का हम करेंगे first part. That is 2x square माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो देखिए यहां पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, आपको a दिया हुआ है a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 3 एंड c इज इक्वल टू प्लस 5। अब सबसे पहले हमने a b c हमें पता है a इज दिस b इज दिस, देखिए मैं नेगेटिव वैल्यू को भी कंसीडर करना है b के लिए, दिस इज b एंड दिस इज c राइट। सो फर्स्ट हम निकालेंगे यहां पर डी, डी का होता है बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, सो बी की वैल्यू है माइनस 3, सो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 5, सो 3 इंटू 3 इज 9 माइनस 4 टू द 8 5 जा 40, सो 9 माइनस 40 इज माइनस 31। तो देखिए यहां पर मैंने d चेक किया है और d की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, सो d की वैल्यू इज नेगेटिव इस केस में। सो यहां पर आपके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था। सो आपका आंसर क्या होगा, नो रियल रूट्स राइट, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके कोई भी रियल रूट्स नहीं। तो आइए हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे,
इज 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हमने एबीसी फाइंड करना है। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 4√3 एंड c इज इक्वल टू 4। राइट, आपको c क्या दिया हुआ है? 4। So, यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे d। सो d की वैल्यू क्या होती है? b स्क्वायर माइनस 4ac। सो b की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज माइनस 4√3। सो माइनस 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 3 एंड c इज 4। राइट, सो यहां पर माइनस 4√3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4√3 क्या होगा? प्लस, देखिए करके देख सकते हैं, 4√3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4√3 से, 4 4 16, और √3 इज 3, 16 3 = 48। सो देखिए इसका मतलब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 16, मल्टीप्लाई बाय √3 और √3 से करेंगे 3, सो 16 3 = 48, और माइनस माइनस प्लस, सो यहां पर आएगा प्लस 48, और माइनस 4 4 = 16, 16 3 = 48। सो देखिए 48 - 48 इज 0। So, इस केस में हमारी जो d की वैल्यू है वो क्या आ रही है? d इज इक्वल टू 0। सो यहां पर हमारे दो इक्वल रियल रूट्स होंगे, उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अल्फा की वैल्यू क्या होती है? माइनस b प्लस अंडर रूट d डिवाइडेड बाय 2a, राइट, माइनस ऑफ माइनस 4√3। देखिए माइनस b की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी माइनस 4√3 से, प्लस अंडर रूट ऑफ 0, d की वैल्यू क्या है? 0 डिवाइडेड बाय 2a, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, सो दिस इज इक्वल्स टू 4√3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 = 4, सो दिस इज 2√3 डिवाइडेड बाय 3। सो इस केस में आपका जो अल्फा आया है 2√3 डिवाइडेड बाय 3, और जो बीटा होगा वो भी सेम ही होगा, राइट। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं माइनस b, यहां पर देखिए प्लस लिया माइनस का साइन, √d अपॉन में 2a, which is equals to, आप values put करेंगे सभी, तो यहाँ पर हम direct लिख सकते हैं 2√3 divided by 3, right? अगर आपको question में आता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ इसके roots की nature find out करनी है, तो सिर्फ आप यहाँ तक question करेंगे, हमने यहाँ पर nature of roots क्या होगी लिख देंगे कि two real equal roots, right? अगर आपको पूछा गया question में कि find भी करना होगा, तो हम उसको find भी करेंगे, alpha और beta दोनों values यहाँ पर find out करेंगे। सो आइए अब पार्ट थर्ड इसका करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट थर्ड। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर थर्ड, 2x² माइनस 6x प्लस 3 equals to 0, right? So, यहां पर हमें quadratic equation given है, right? So, इस quadratic equation में first of all हम find out करेंगे a is equal to plus 2, b is equal to minus 6 and c is equal to plus 3. So, d find out करेंगे, d is equal to b square minus 4ac. So, b की value हम put करेंगे, क्या होगी यहां पर? minus 6 का square minus 4 into a is 2 and c is 3. So, यहां पर d की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 6 का स्क्वायर इज प्लस 36, माइनस 4 2 8 = 24। सो यहां पर d इज इक्वल टू आ गया हमारा 12, विच इज ए पॉजिटिव नंबर। सो d आपका है यहां पर पॉजिटिव। सो इसमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की क्या नेचर होगी? टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, और टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आई कैन से। सो यहां पर अगर मैं अल्फा फाइंड आउट करूं, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a, सो माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस अंडर रूट 12 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, राइट, विच इज इक्वल टू 6 प्लस अंडर रूट 12 डिवाइडेड बाय 4। सो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, 6 प्लस 12 को लिखते हैं 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4,
विच इज इक्वल्स टू, देखिए यहां से टू कॉमन ले सकते हैं, सो टू थ्री सिक्स प्लस अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाय फोर, टू इंटू वन टू टू जा फोर, सो मैं इसको लिख सकता हूं वन बाय टू ब्रैकेट में थ्री प्लस अंडर रूट थ्री, सो दिस इज माई अल्फा। सो बीटा के लिए क्या होगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट ट्वेल्व डिवाइडेड बाय टू इंटू ए इज टू, राइट, सो यहां पर माइनस ऑफ बी इज माइनस सिक्स, सॉरी माइनस ट्वेल्व लिख सकते हैं टू अंडर रूट थ्री, राइट, अंडर रूट ट्वेल्व टू अंडर रूट थ्री डिवाइड बाय फोर, सो माइनस माइनस प्लस सिक्स माइनस टू अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाय फोर, यहां पर मैं टू कॉमन लूंगा जैसे कि वहां लिया था, सो बचा क्या टू थ्री सिक्स माइनस अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाय फोर, सो टू टू जा फोर, सो बीटा मेरा आ गया दैट इज थ्री माइनस अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू, राइट, दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा। और अल्फा क्या था मेरा थ्री प्लस, बीच में प्लस का साइन है, राइट, यहां पर प्लस का साइन है। सो इस टाइप से हम अपने रूट्स की नेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेंट, और उसके बाद हम अल्फा और बीटा अपने रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी के जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं या फिर इसके फर्दर जो क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।